ठीक है, तो वैसे भी ये जो कोर्स है ये बेसिक से एडवांस जाएगा, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। और मेरी बाकी जो इनको मालूम है केपी, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जब हमारी ये जो दो क्लासेस सिर्फ इंट्रोडक्शन की होंगी, बाकियों को बताने के लिए कि केपी एक्चुअली क्या है, उसका जो बेस है वो कहाँ से देखना है, क्या समझना है केपी में, तो हम ये जो दो क्लासेस हैं उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम सीधा जो है हाउस प्रेडिक्शंस, हाउस रूलिंग्स पे चले जाएंगे। तो और बीच बीच में उसके बाद जो है हर हाउस के साथ आपको जो बाकी हमारे चार्ट्स हैं उनको भी रिलेट करना सिखाया जाएगा। प्लस एक चीज आज हम इस क्लास में सीखेंगे, जो जो लोगों को बिल्कुल केपी नहीं मालूम उनको भी ये चीज पता चल जाएगी कि बेसिकली जब आपने कोई भी आपके सामने कुंडली आती है, पहले उस कुंडली उस इंसान का, जैसे हम लोग सब जब पैदा होते हैं तो हम लोग कोई ना कोई भगवान ने हमें कुछ दे के भेजा है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजता वो, ऊपर से सबके साथ कुछ ना कुछ आता है। तो वो क्या लेकर आया है, हम आपने सबसे पहले उसकी चार्ट में ये चीज को समझ लेना है कि भाई वो क्या लेकर आया है। अब मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास कोई कपल बात आता है, वो कहता है कि मुझे हमें संतान के लिए पूछना है और संतान हो नहीं रही। आपने दोनों के उस टेक्निक से चार्ट देखे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई इस चार्ट में आपको रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर वो जो टेक्निक है जो आज हम पढ़ेंगे उसमें नहीं है वो घर, तो आप उसका कोई भी घर, कोई भी दशा, कोई भी ट्रांजिट, कोई भी प्रोग्रेशन लेके भी बैठ जाओगे ना, तो भी वो चीज उसके साथ नहीं होगी। जब हम हर घर को देखेंगे तो उसके अंदर एक प्राइमरी हाउस आता है और एक सपोर्टिंग हाउस आता है। मान लो कि उनके पास सपोर्टिंग हाउस है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे इनके सपोर्टिंग हाउस पे मैं काम कर सकता हूँ, तो आप रेमेडी सजेस्ट करोगे। तो आप अपने क्लाइंट को जो है अपने साथ रखोगे कि भाई आप उसको बोलोगे कि भाई आपका जो चार्ट है ये दशाओं में ये काम हो सकता है, बट आपको मेरे कहने से चलना पड़ेगा। उसमें रेमेडीज दोगे आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस केपी कोर्स में हम बेसिक टू एडवांस समझेंगे। इसके अंदर आपको एक नया नजरिया मिलेगा देखने का केपी चार्ट्स को। तब जो लोगों को केपी आती भी है वो भी यही समझ के बैठते हैं कि भाई सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, उसका प्रॉमिस देखो, बट वहां पे बात नहीं बनती। कितनी बार हम चीजें देखते हैं लेकिन होता नहीं है। सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड का जो हम आगे पढ़ते हैं, उसके नक्षत्र लॉर्ड का, उसका सब लॉर्ड, आपने जो वो ट्रेल बना ली वो ट्रेल आपको रिजल्ट देगी ओनली इन द केस ऑफ ट्विन्स। और वो भी कब तक रिजल्ट देगी, जब तक वो जो दो ट्विन्स हैं उनकी माँ ये पूछने आती है। देखो कितनी बड़ी स्पेसिफिक है। मान लो कि आप में से कोई पूछने आया कि भाई मेरी बेटी की शादी कब होगी, तो जब हम होरारी लगाते हैं तो वो होरारी चार्ट सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी बेटी की शादी कब होगी, वो उसके बारे में नहीं बता रहा। बहुत स्पेसिफिक आंसर्स आपको केपी से मिलते हैं। तो वो जो आंसर्स जो खोजने हैं आपको, वो आंसर्स खोजने की टेक्निक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जी मनोज जी बोले। सबको म्यूट कर दो, आप बोलो सिर्फ ना, बाकियों की आवाज आने से ना स्क्रीन चेंज हाँ होती है। ओके ओके, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। एक सेकेंड, आई थिंक मैं होस्ट नहीं हूं, तो प्लीज आप लोग सारे अपने अपने को म्यूट कर लें। वो खुद ही म्यूट कर ले ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ प्लीज। और कंसंट्रेशन जब ब्रेक हो रही है। कोई, और जिन्होंने जिनके हाथ रेज है वो नीचे कर लें। अगर बीच में कुछ होता है आप अपने क्वेश्चंस लिख के रख लीजिए, और उसको जो है जब मैं कहूंगी कि अभी हम क्वेश्चन सेशन लेंगे तो आप वो अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा अनम्यूट करके, लेकिन पूरी उसमें आप प्लीज म्यूट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो वो कुछ मिस ना कर जाए। और जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी प्लीज अपनी जिज्ञासाओं को काबू में रखें। बाद में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों के, तो सब हाथ रेज कर करके एक एक बार आप सब पूछिएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो चलें, स्क्रीन शेयर हुई आपके साथ? हाँ हुई, ठीक है, ओके। ओके, केपी जो एस्ट्रोलॉजी है वो कृष्णमूर्ति जी ने हमको ये पद्धति दी है, और ये पद्धति साइडेरियल एंड ट्रॉपिकल सिस्टम पे बेस है। यानी जब उन्होंने प्राश्री के कुछ चार्ट से देखा तो उनको कुछ आंसर्स नहीं मिले, तो उन्होंने प्रिडिक्शन के लिए एक साउंड सिस्टम क्रिएट किया। ऑफ कोर्स हम में से कोई भी अगर कोई इसमें स्टडी करता है या इस साइंस को कोई नई दिशा देता है, तो वो हमारी मेहनत नहीं होती, वो ऊपर वाले की हम पे एक कृपा होती है जिसको हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो उनको भी कृपा हुई और उन्होंने जो है ग्रंथों से, यानी ये साफ है कि कृष्णमूर्ति जी ने जो ये पद्धति हमें दी है ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथ में मेंशन थी, जो कि एकदम से उनको समझ में आया और उन्होंने तार जोड़े और उन्होंने हमें ये पद्धति दी। कृष्णमूर्ति पद्धति जैसे हम वैदिक में विश्व विंशोत्री दशा को फॉलो करते हैं, वैसे ही कृष्णमूर्ति पद्धति में भी आप विंशोत्री दशा को ही फॉलो करेंगे। अब वो ये कहते हैं कि भाई जो जिस समय इंसान पैदा होता है उस समय का जो नक्षत्र रहा, पूरे दिन के लिए चंद्रमा एक नक्षत्र में गोचर करता है। कई लोग ऐसे हैं कि भाई जैसे 2.5 डेज के लिए चंद्रमा एक नक्षत्र में रहा या 2 दिन कभी कभी रहता है, तो कभी कभी जो लोग हैं, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम नक्षत्र के खत्म होने पे और अगला चंद्रमा को शिफ्ट होने के नक्षत्र में भी पैदा हो सकते हैं, तब वो जो चीजें हैं वो सारी बदल जाएंगी। तो जब हम किसी की भी कुंडली देखते हैं तो उनका कहने का ये मतलब है कि नक्षत्र को देखना बहुत जरूरी है। ये जो चंद्रमा का नक्षत्र है ये ही आपको सारी गुत्थी उसके जीवन की खोल के रख देगा। आप अपनी अपनी कुंडली पे भी इस चीज को लगाओगे तो आप ये देखोगे कि जो आपके चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहे होंगे आपके जन्म के वक्त या जन्म के दिन, आपकी सारी जिंदगी उन्हीं घरों से घूमेगी, सारी जिंदगी आप उन्हीं घरों पे रहोगे। यानी चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो चंद्रमा का जो नक्षत्र है मैं उसका आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जिनको केपी बिल्कुल भी नहीं मालूम है खाली इस चार्ट को देखिएगा। आपको आप लोगों में से किस किस को चार्ट समझ में आता है और किस किस को चार्ट भी समझ में नहीं आता है, तो वो हाथ रेस करें जिनको चार्ट समझ में नहीं आता है। अब ये कैसे पता चलेगा सबने हाथ रेस किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि समझ में आता है या नहीं आता है। नहीं आता तो प्लीज आप अपनी, नहीं आता तो ऐसे ऐसे करें, ठीक है? अगर ठीक है तो 2685 भी अपना नाम लिख लीजिए, अभी तो लंबा सफर है हमारा तो समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या। तो आपको जिसको चार्ट समझ में नहीं आता है मैं उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारी ये जो चार्ट है, ये राशि चार्ट जहां पे लिखा है, ये हमारा लगन चार्ट कहा जाता है कि भाई हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन क्या लगन राइज हो रहा था, उस टाइम पे क्या लगन राइज हो रहा था, उस हिसाब से हमारी कुंडली बनाई जाती है। जहां पे 4 नंबर लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहां पे 5 नंबर लिखा है वो सेकंड हाउस है, जहां पे सिक्स नंबर लिखा है वो आपका थर्ड हाउस है। ऐसे पूरी काउंटिंग करते हुए ये 12 घर हैं। तो आप 4 नंबर से काउंट करोगे 1, 5 से 2, 6 से 3, 7 से 4 और 8 से 5, 9 से 6, 10 से 7, यानी आपको ये 12 खाने दिख रहे हैं। और फर्स्ट जहां पे एसेंडेंट लिखा हुआ है वो आपका पहला घर है, और जहां तीन नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर राशि लिखी हुई है, वो आपका 12वां घर है। तो ये 12 घरों में ही हमारी पूरी जिंदगी बसी हुई है।
इसके बाहर हमें कुछ नहीं मिलना, सब कुछ यहीं से मिलेगा। अब आप नीचे का अगर चार्ट देखोगे तो उसको भावा चार्ट कहा जाता है, जो कि केपी चार्ट है। अब आप यहाँ पे अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर के जो ग्रह बैठे हैं, यानी केतु ऊपर राशि चार्ट में खाना नंबर दो में, यानी घर नंबर टू में था, हाउस नंबर टू में था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही केतु हाउस नंबर वन में आ गया है। तो हाउस नंबर वन में आने से क्या हुआ कि ये क्यों हुआ, इसका रीजन मैं आपको अभी बताती हूँ। बट आप इन दोनों चार्ट्स को ध्यान से देखो कि भाई राशि चार्ट जो है उसमें 12 घर होते हैं, आपके 9 ग्रह प्लेस होते हैं किसी ना किसी घर में, किसी राशि में। वो शिफ्ट हो सकते हैं आगे या पीछे केपी चार्ट में। उसका रीजन क्या है, उस रीजन पे अभी हम थोड़ी देर पे बात करेंगे। तो ये हमारे चार्ट हैं, इस तरीके से हमारे चार्ट होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। अब मैंने कहा कि चंद्रमा का जो नक्षत्र रहेगा जिस दिन आप पैदा होते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ये चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा जो है अपनी राशि का दिख रहा है, यानी कर्क राशि में ही चंद्रमा प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस में, ठीक है। और लेकिन अगर आप इस वाले टेबल को देखोगे, प्लैनेटरी पोजीशन का जो टेबल है, वहां पे मून को देखोगे तो साइन है कैंसर और आगे उसकी डिग्री लिखी है। रूलिंग लॉर्ड जो है उसका, वो भी चंद्रमा है, यानी वो अपने ही घर में है, यानी अपनी ही राशि में है वो। तो यानी उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। लेकिन ये जो एसटीएल लिखा है, दैट इज द नक्षत्र लॉर्ड, जिसको इंग्लिश में स्टार लॉर्ड भी कहते हैं। तो जो स्टार लॉर्ड है वो यहाँ पे पड़े तो शनि आता है। स्टार लॉर्ड जो है वो यहाँ पे पड़े तो शनि आता है। जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा इस बंदे का चंद्रमा जो है वो पुष्या नक्षत्र का है और वो शनि के नक्षत्र का चंद्रमा है। तो यानी आप लोग भी जब अपनी कुंडली खोलोगे तो आपको अपना चंद्रमा का मून मून जो है आपको आपकी कुंडली का वो नक्षत्र बताएगा कि आप किस नक्षत्र के हो और उसका लॉर्ड कौन है। तो यानी इस इंसान की जो कुंडली है वो गवर्न करेगा शनि, और ये ट्रू है। आप अपनी अपनी कुंडली पे भी लगा के देख लो, जो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेगा उसका जो लॉर्ड होगा वो सारी जिंदगी आपकी गवर्न करेगा। उस ग्रह से रिलेटेड ही आपको चीजें मिलेंगी और उस ग्रह से रिलेटेड ही आप अपनी जिंदगी पूरी वो करोगे।